हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और ये अपना लिनक्स कमांड सीरीज का पांचवा वीडियो है। इससे पहले के चार वीडियोस में अपन 39 कमांड्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियोस में अपन केवल कैट कमांड कवर करेंगे, बाकी अपन इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन पाइप्स के बारे में देखने वाले हैं इस कमांड के अंदर, सॉरी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज से जो कमांड कवर करने वाले हैं वो है कैट कमांड। ठीक है दोस्तों, तो कैट कमांड क्या करती है? कैट कमांड आपका तो ये एक फाइल है, आपको इस फाइल के सारे कंटेंट आपको आपके उस पे देखना है टर्मिनल पे, राइट? तो उसको देखने के लिए अपन ने पहले के में देखा था अपन मोर और लेस भी यूज़ कर सकते थे, राइट? फिर कैट कमांड ये क्यों? तो अपन कैट कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सबसे पहली चीज़। तो बाकी इसका जो दूसरा यूज़ है मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट अपन को दिख गया। तो पहला यदि आंसर दूँ तो अपन यू नो स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन थिंग वो अपन कैट कमांड के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कैट कमांड का एक यूज हो गया। पर वॉट विल बी हैपन इफ आई राइट दिस कमांड ओनली कैट एंड मैंने एंटर मार दिया। सी, तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोले तो ये कीबोर्ड, राइट, माउस, मैं इनके थ्रू इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट डिवाइस बोले तो ये मॉनिटर, जहाँ पे मुझे सारा का सारा आउटपुट मिलता है। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने कैट कमांड मारी तो अभी इसने इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है अभी के केस में, अपना कीबोर्ड। ठीक है, गौरव, अभी जैसे ही मैं ये गौरव लिखूंगा, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो जो कैट कमांड है ये क्या करती है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर रीड करती है, राइट, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। और उसको रीड करके जो भी मेरा इनपुट रहेगा ना, सेम वही इनपुट ये वापस रिटर्न करेगी। जैसे ही मैंने गौरव मार के एंटर मारा तो मुझे आउटपुट में गौरव ही मिलेगा। सी वन, राइट, तो जो मैंने इनपुट दिया उसके कोरेस्पोंडिंग मुझे उसने आउटपुट दिया, मतलब मैंने गौरव लिखा तो उसने गौरव। अभी एक चीज और, अभी मैंने यहाँ पे 7 लिखा और मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ओके, कंट्रोल सी बोले तो कैंसिल, तो इससे क्या होगा, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं मिलेगा कैट कमांड को और मैं टर्मिनल से बाहर आ जाऊंगा। तो मैं अभी कंट्रोल सी प्रेस कर एंड मैं आउट, राइट, कमांड से बाहर आ गया। अभी वापस कैट कमांड पे आया, मैं वापस 7 प्रेस करूंगा और जैसे ही मैं 7 प्रेस करूंगा अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। कंट्रोल डी क्या करता है, एंड ऑफ फाइल या एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है वो ऐड कर देता है, तो मुझे आउटपुट में वापस 7 मिलेगा। तो देखो अभी मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ एंड मुझे देखो वो रिपीट हुआ, लिखा आपको कैट 7 एंड कंट्रोल डी, तो मुझे वापस 7 मिला, राइट। और मैं ये वापस दोबारा प्रेस किया तो मैं टर्मिनल से बाहर हो गया। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मुझे मिला। पर दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, इनको अपन टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, अपन टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये कमांड चलेगी जब तक वो रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो अपन कैसे कर सकते हैं, मैं लिख दूं कैट, ठीक है, और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो तो मेरा कीबोर्ड रहेगा, पर इसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है ना वो मेरी स्क्रीन नहीं रहनी चाहिए। इसका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस एक फाइल रहेगी, उस फाइल का नाम डाल देता हूँ मैं, तो फाइल का नाम डाल देता हूँ STD.out.txt। ठीक है,
तो कैट कमांड का जो भी आउटपुट रहेगा ना, वो इस फाइल के अंदर जाने वाला है, std underscore out dot txt फाइल में। अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर मारा एंड कंट्रोल डी, मैं बाहर हो गया, राइट। अब ये std out dot txt फाइल कहाँ बनी होगी? मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है? होम। तो यहाँ पे std out dot txt आ गया एंड गौरव इज ए गुड बॉय, यहाँ पे ये चीज आ गया। अभी सेम वही चीज अपन कंट्रोल सी के साथ देख लेते हैं। अभी मैं std out 1.txt कर रहा हूँ, गौरव एच ए, और अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ देखते हैं। देखो दोस्तों, सीन क्या था, गौरव जैसे ही मैंने एंटर मारा वो इस फाइल के अंदर चला गया, राइट। उसके बाद में जैसे ही मैंने इज की लिखा और मैंने एंटर मारा, इस फाइल के अंदर आउटपुट चला गया। उसके बाद में ए, और उसके बाद में मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, मतलब उसको एंड ऑफ लाइन और एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं मिला और वो इसके अंदर नहीं गया। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ है, इसलिए अपन कंट्रोल डी यूज करते हैं जब भी अपन को ये यूज हो रहा हो। ठीक है, अब देखो ये जो कैट कमांड है ये फाइल रीड करने के काम भी आती है। तो अपन ने ये दो फाइल अभी बनाई थी, तो अपन इन दोनों फाइल को रीड कर लेते हैं, राइट। कैट std out dot txt, ठीक है, अपन ने ये फाइल रीड कर ली। ठीक है, वो रीड कर ली। अभी सेम यही फाइल अपन ऐसे भी रीड करके देख लेते हैं, राइट। दोनों का आउटपुट सेम है, पर देखो सीन क्या है, जब मैंने ये कमांड रन किया, जब मैंने फाइल नेम प्रोवाइड किया ना, तो बैकग्राउंड में क्या हुआ, एक प्रोग्राम रन हुआ, जैसे यूजुअली सी लैंग्वेज या कोई सी भी लैंग्वेज में अपन एक फाइल रीड करते हैं ना, वैसा प्रोग्राम। और यहाँ पे क्या हुआ, इस कैट कमांड को जो इनपुट डिवाइस था ना, वो एक फाइल मिली है और उसने इस फाइल से सारा डाटा रीड करके यहाँ पे डाला है। ठीक है, यहाँ पे उसने एज ए फाइल रीड किया है और यहाँ पे उसने एज ए स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस था, उसकी वैल्यू चेंज की है। तो फाइनली ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए यूज होता है, जब आपको स्टैंडर्ड आउटपुट रिडायरेक्ट करना हो तो, और यदि आपको स्टैंडर्ड इनपुट देना है तो आपको ये वाला साइन यूज करना है। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अभी सीन क्या है, ये तो मैंने कैट कमांड के बारे में बता दिया। ls कमांड, ये क्या है ls कमांड, ये सारा इसका आउटपुट है। फाइन, ये टर्मिनल पे दिख गया, पर मुझे नहीं, मुझे टर्मिनल पे नहीं चाहिए, मुझे इसको एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। तो ls आउटपुट के लिए ये बताया, ये वाला एट, तो ls एंड उसके बाद में std अंडरस्कोर या फिर ls अंडरस्कोर आउट डॉट txt। तो क्या किया, ls कमांड का जो भी आउटपुट आएगा वो इस फाइल के अंदर स्टोर होएगा। इस फाइल का नेम है ls अंडरस्कोर आउट डॉट txt। ठीक है, इस नाम की देख लो, यहाँ पे पहले कोई फाइल नहीं बनी हुई है, यानी कि चलो मारता हूँ एंटर। देखो ये फाइल बन गई पीछे, ls अंडरस्कोर आउट डॉट txt। चलो देख लेते हैं इस फाइल में क्या है। तो देखो दोस्तों, ये आपको सारी की सारी फाइल्स का नेम मिल गया है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे आप एक फाइल से इस फाइल का जो, मतलब जो एक कमांड का आउटपुट है, उसको आप फाइल में स्टोर करवा सकते हो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, अभी सीन क्या है, मैन ls, और मैं इसका जो आउटपुट आएगा उसको मैं स्टार डाल रहा हूँ, मैन ls डॉट txt। बोले तो मैन वालो ls कमांड, और अभी देखते हैं कहाँ आया। तो देखो ये उसका पूरा का पूरा मैनुअल अपन ने एक फाइल में स्टोर करवा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप यूज करो। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, कैट, ठीक है, मैन अंडरस्कोर ls, या फिर मैं करता हूँ
test1.txt. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, cat underscore test1.txt, मतलब cat फाइल जो है वो रीड करेगी test1.txt में, सॉरी cat कमांड जो है जो रीड करेगी test1.txt में से, और उसका आउटपुट जो देगी वो देगी न्यू test.txt में, ठीक है। तो देख लेते हैं न्यू test.txt, सेम वही है जो अपना cat test1.txt है। तो test1.txt देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोनों सेम आउटपुट है। चलो ये चीज हो गई, अब अपन क्या करते हैं, स्वैप करते हैं चीजें। ओनली कैट आउटपुट जो देगी वो किस में देगी, न्यू 1.txt, और रीड कहां से करेगी, न्यू test.txt। तो दोस्तों मैं केवल ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि आप ये चीज यदि चेंज भी करोगे ना तो उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अभी जो न्यू फाइल बनी है वो न्यू वन ये वाली बनी है, एंड देखो इसका भी सेम आउटपुट है। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। चलो ये सारा कवर हो गया। अब सीन, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं स्टोरी में, उससे पहले मैं इस चीज को काट देता हूँ। अब क्या है सीन, ये तो ls कमांड का आउटपुट तो अपन ने स्टोर करा के देख लिया। अभी मैं ये कोई एक कमांड नहीं है, ये एक एरर आई, ठीक है, ls, और इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ error.txt में, क्योंकि एरर आना फिक्स है ना, ठीक है। अभी error.txt इस नाम की कोई फाइल बनी है क्या, पहले तो ये चीज देखते हैं। error.txt फाइल बन गई, इसके अंदर वैल्यू खाली, सब कुछ खाली, कुछ आया ही नहीं। तो क्यों नहीं आया, तो वापस दोस्तों देखो क्या होता है, जब आप ls करके यहाँ पे आप फाइल नेम लिखते हो ना lsout.txt, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो होता है ना ये वन होता है, राइट। तो और लिनक्स के अंदर क्या होता है, जीरो जीरो बोले तो स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, वन बोले तो स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड टू बोले तो एसटीडी एरर। तो सीन क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी होता है, पर एक होता है स्टैंडर्ड एरर। वो क्या करता है, तो जो अपना जो आउटपुट डिवाइस होता है ना, ये अपन को स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर दोनों के मैसेज एक साथ शो करता है, जिससे अपन को ये दिखता है, ठीक है। पर जब अपन ये चीज डिफाइन करते हैं ना, या ये चीज डिफाइन करते हैं, तो ये क्या बोलता है, केवल मुझे आउटपुट चाहिए, तेरी एरर यदि तेरे को आई है ना तो उसको तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो यदि आपको अभी एक एरर है वो एक फाइल में स्टोर करवानी है, तो आप वो कैसे करोगे, क्योंकि एरर को तो वो एक अलग जगह फेंक देगा ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस में, राइट। तो इनपुट वाला आया तो इनपुट से तो ले लेगा, कोई टेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब एक कमांड यदि अच्छे से चल गई तो उसका आउटपुट यदि कुछ आया है तो वो एक फाइल में स्टोर करा देगा, पर यदि कोई कमांड यदि चली ही नहीं तो उसकी एरर है जो अपन को डिजायर्ड था कि error.txt में आ जाना चाहिए था, राइट, नहीं आया। ये चीज देखो, कमांड नोट फाउंड, टर्मिनल पे ही शो हो गया, राइट। तो उस चीज के लिए अपन क्या करेंगे, lsss, ठीक है, ये error1.txt, राइट। अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से ले रहा है, राइट। अभी मैं यहाँ पे दो डाल दूंगा, तो मैंने जैसा कि बताया था कि जो लिख ही देता हूँ मैं वो चीज भी, has to std error, स्टैंडर्ड एरर है। तो अभी lsss ये error2.txt, अभी क्या होगा,
ओके अभी देखते हैं, एरर टू डॉट टी एक्स टी सी आ गया ना यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना। अब सीन क्या है, सेल स्क्रिप्टिंग या फिर प्रोग्रामिंग्स में जब आप एंटर हो गए ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार मेरा तो जो एरर आ रही है ना वो भी एक फाइल में स्टोर हो जाए, और जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो भी एक ही फाइल में आता रहे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। तो सीन क्या है, आपको क्या यूज़ करना है, ls ये, उसके बाद में वन, उसके बाद में सॉरी टू, एंड उसके बाद में एंड परसेंट साइन एंड वन। तो ये क्या करेगा, आपकी जो एरर आएगी ना उसको भी ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट वाला जो रहेगा ना वहाँ पे फेंक देगा, ठीक है, और फाइल का नेम, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी नॉट अवेलेबल आ गई, फाइन। तो अपन क्या करते हैं, उससे पहले अपन एक दूसरी चीज़ देख लेते हैं, ये चीज़ थोड़ा बाद में कवर करेंगे। तो दोस्तों देखो, कैट और एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल थी यहाँ पे, टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैट टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी, तो ये क्या करेगा, इस फाइल को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसके अंदर इतने कंटेंट है ना ये सारे के सारे चल जाएंगे। जैसे अभी मैंने लिख दिया जी ए सी, ठीक है, और कंट्रोल डी, अभी मैं टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी देखूंगा ना, जी ए सी ये वाला जो कंटेंट था वो सारा का सारा चला गया। तो मुझे ऐसा है कि मेरा जो ये कंटेंट है ना ये तो पहले से ही पड़ा रहे, और इसके नीचे ही अभी मैं जो भी टाइप करूंगा ना वो अपेंड हो जाए, तो उस चीज़ के लिए अपन ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अभी अब मैं जो भी डालूंगा ना, गौरव इज ए गुड बॉय, ठीक है, कंट्रोल डी, अभी देखते हैं कैट टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी सी, पहले का जो कंटेंट था वो भी है, और उसके बाद में जो मतलब जो मैंने बाद में डाला अपेंड करवाया वो भी दिख रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने पुरानी वाली चीजों पे, ls बताया मैंने, तो आउटपुट डॉट टी एक्स टी, जो भी आउटपुट आएगा ना वो तो आउटपुट डॉट टी एक्स टी के अंदर चल जाना चाहिए, और जो भी एरर आएगी वो कहाँ चल जानी चाहिए, एरर फाइव डॉट टी एक्स टी में, ठीक है। तो कराता हूँ इस कमांड को रन, तो कैट आउटपुट डॉट टी एक्स टी में तो ls कमांड का आउटपुट आ गया, ठीक है, ये वही चीज़ अपने को शो हो रही है। उसके बाद में कैट क्या क्या कमांड चलाई थी अपन ने चलाई थी ये एरर फाइव डॉट टी एक्स टी, कैट एरर फाइव डॉट टी एक्स टी, कुछ भी नहीं आया, सेम वही कमांड है। इसको मैं यहाँ पे एरर ला देता हूँ कमांड में, एरर नहीं आई, कैट एरर फाइव डॉट टी एक्स टी, तो आपकी जो एरर थी ना वो यहाँ पे आपको शो हो गई है, ठीक है। अब सीन क्या है, अब आपको आपका जो जो आपका रिडायरेक्शन जो था, मतलब बोले तो आपका जो आउटपुट था ना, आपको वो एरर पे भेजना है, या फिर आपके जो भी एरर आई ना उसको आपको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे भेजना है, तो वो आप कैसे भेजोगे, मतलब आपके कोई एरर आई और आपको वो एरर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे भेजनी है, ठीक है। तो उसके लिए ls ओके टू कोमा एंड परसेंट वन काम गया एंड आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ओके अभी देखते हैं आउटपुट डॉट टी एक्स टी, नथिंग, ओके लेट मी पोस्ट द वीडियो एंड कंफर्म दिस। ओके दोस्तों, तो अपने रिक्वायरमेंट क्या थी, अपने रिक्वायरमेंट ये थी कि अपने यदि कोई भी एरर आए
या कोई भी आउटपुट आए वो अपन को एक ही फाइल में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ मिस कर रहा था वो बता देता हूँ आपको। तो सीन क्या था, ls कमांड है, इसका कुछ भी आउटपुट आए वो मुझे डालना है आउटपुट डॉट txt में। ठीक है, और मैं इसको अपेंड करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है ना अगली बार मैं कोई दूसरी कमांड चलाऊँ और एरर आए। और उसके बाद में जो चीज़ मैं पहले गलत कर रहा था, एरर, इसको रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे, कौन से पाइप पे, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। स्टैंडर्ड आउटपुट वाला पाइप कौन सा था, वन वाला, राइट। तो ठीक है, अभी देखते हैं, कैट आउटपुट डॉट txt, तो ये सारा का सारा आ गया। ठीक है, जो अपने ls कमांड का था। अभी मैं सेम कमांड चलाता हूँ, और ठीक है, ये कोई कमांड है नहीं तो एरर फेंकेगा, चल गया। अब वापस कैट आउटपुट डॉट txt देखते हैं, तो देखो ये नीचे नीचे अपेंड हो गया है, जो एरर आई थी ना वो चीज़ भी अपेंड हो गई है। ठीक है, तो देख लेता हूँ मैं और कुछ बचा हो तो। हाँ, एक चीज़ रह गई आज तो। और दूसरा सीन क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को कैसे अनोट करेंगे। मतलब जैसे कैट, अपन ने एंटर मारा तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से रीड करने लग जाता है। ठीक है, अभी सीन क्या है, सॉर्ट कमांड सेम, इसका भी सेम वैसा ही है, गौरव सौरव अमित स्नेहा एंड सपना। ठीक है, कंट्रोल डी, तो ये देख लो। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद में अब क्या होगा, अभी आपको रीड करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको जैसे सॉर्ट, आपको दो जगह से सॉर्ट करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से कोई चीज़ लेनी है, उसके बाद में जो भी आउटपुट आए उसको एक फाइल के आउटपुट के साथ, मतलब कैट टेस्ट टू डॉट txt, आपको ये चीज़ सॉर्ट करनी है। इसके अलावा आपको वो चीज़ भी सॉर्ट करनी है जो आपको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से देनी है, तो वो चीज़ कैसे करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सॉर्ट टेस्ट टू डॉट txt, एंड आपको यहाँ पे हाइफन यूज़ करना है। अभी अपन ने हाइफन पहले यूज़ किया है, राइट। देन मैं क्या कर सकता हूँ, एप्पल ठीक है, कंट्रोल डी, देखो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से अपन ने ये सारी चीज़ें दी थी, उसके बाद में उसने टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी से उसने ये सारी चीज़ें रीड की, एंड इसने उसको सॉर्ट करके बता दिया। सेम चीज़ अपन कैट कमांड के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैट कमांड किस यूज़ में आती है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से चीज़ रीड करती है, और यदि आपने फाइल नेम स्पेसिफाई किया है तो उसका कंटेंट डिस्प्ले करती है। बट वॉट विल बी हैपन इफ वी प्रोवाइड टू फाइल नेम हेयर, टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी एंड टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी। क्या किया, दोनों फाइल्स के कंटेंट थे ना, उनको कॉनकेटिनेट कर दिया, उनको दिखा दिया, पहले एक फाइल का कंटेंट उसके बाद में दूसरी फाइल का कंटेंट। देख लेते हैं, टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी एंड टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी। तो पहले टेस्ट वन का नेम दिया, ये आ गया, टेस्ट टू का दिया, ये आ गया। तो देखो पहले तो ये सारा आया, फिर टेस्ट टू का आया। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी, पहले आपको टेस्ट वन का दिखाना है एंड उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का। तो कैट टेस्ट वन एंड उसके बाद में हाइफन, रिमेंबर हाइफन बोले तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। सो टेस्ट वन का आउटपुट आ गया, एंड अभी आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से ले रहा है, राइट, कंट्रोल डी। समझ में आया, तो आई थिंक मैंने जितना लिखा था सब चीज़ कवर हो चुका है। यस दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा वीडियो। नहीं यार, एक चीज़ रह गई, एक चीज़ क्या रही है, पाइप कमांड, पाइप कमांड नहीं, सॉरी, पाइप्स के बारे में। तो दोस्तों पाइप सिंपली क्या होता है, सपोज ये दो पाइप है, राइट, ये फर्स्ट पाइप एंड ये सेकंड पाइप।
इस पाइप से यदि पानी निकल रहा है तो ये इधर वीडियोस में देखना जिधर मैं दिख रहा हूँ छोटे से बॉक्स में, ठीक है, इस पाइप से कोई भी पानी जाएगा तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, राइट। तो यहाँ से कुछ भी इनपुट रहा हो, कितना भी पानी इनपुट रहा हो, यहाँ से ये इसका आउटपुट हो गया, राइट। अब यहाँ से पानी निकलेगा, पर मैं ये दूसरा पाइप ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट रहेगा ना इस वाले पाइप का, वो इस वाले के लिए इनपुट रहेगा, राइट। दो है, इसका आउटपुट और इसका इनपुट, राइट। तो ये चीज़ अपने यहाँ पे भी होती है, मतलब एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड के लिए यदि इनपुट बनता है तो उस चीज़ को लिनक्स के अंदर पाइप बोलते हैं। और वो कैसे अचीव करते हैं यहाँ पे वो चीज़ देखते हैं। तो सपोज ये है अपना ls कमांड, ठीक है, ls कमांड में ये सारा का सारा है। अभी मुझे ये सारा का सारा सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट को एक फाइल में स्टोर करा हुआ है, उस फाइल को सॉर्ट करो, राइट। पर नहीं, मैं क्या करूँगा ls, अब इस कमांड का जो आउटपुट है ना वो सॉर्ट कमांड के लिए इनपुट बन जाए, राइट। तो वो कैसे होगा, इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे ये पाइप मार्क करना है, जो शिफ्ट के जस्ट ऊपर होता है ना वो वाला, बैक स्लैश के साथ करते हैं तो, ठीक है, शिफ्ट और बैक स्लैश बोले तो जो पाइप साइन आता है ये। तो अभी देखो क्या होगा, सी सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया, अल्फा डेस्कटॉप एरर एग्जांपल एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है दोस्तों। तो पाइप का केवल कॉन्सेप्ट इतना सही है, एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के लिए इनपुट बन जाता है, ठीक है। तो अभी सीन क्या है, अभी एक टेस्ट केस बच गया यार जो मेरे को सामने दिख रहा है, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता, हु, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं who.txt फाइल में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कैट करते हैं who.txt को, यहाँ पे आउटपुट आया था ये आ गया। अभी सीन क्या है, मुझे जो ये आउटपुट है ना अलग अलग जगह भेजना है, बोले तो मतलब इस आउटपुट को मुझे दो अलग अलग फाइल के अंदर सेंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, समझे। तो यदि मेरा क्वेश्चन समझे और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इस हु कमांड का जो आउटपुट आ रहा है उसको दो अलग अलग फाइल्स के अंदर रिडायरेक्ट करना है, मतलब who.txt एंड who1.txt, उन दोनों के अंदर वो आउटपुट होना चाहिए जो हु कमांड का आउटपुट आया है, ठीक है। तो यदि ये चीज़ अचीव करनी है ना तो लिनक्स में कैसे करोगे, मेरा वीडियो पॉज कर दो एंड ट्राई करो सीरियसली। चलो तो अपन करके देख लेते हैं हु, एंड उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो कमांड है वो है यहाँ पे टी कमांड। यहाँ पे आपको who1.txt देना है एंड, और कहाँ पे रिडायरेक्ट भी करना है आपको, जो आपने बनाई थी ना फाइल who.txt एंड एंटर। अभी देखो दो फाइल बन गई होगी who1.txt एंड who.txt, कैट who1.txt राइट एंड कैट who.txt राइट। मैंने यहाँ पे देखो ये डबल साइन यूज किया तो ये केवल अपेंड हो गया, ये वाली लाइन डिलीट नहीं, बट वो अचीव हो गया वो गोल जो अपन को करना था। अभी मैं सेम कमांड वापस चलाता हूँ, ठीक है, अब वापस करता हूँ कैट who.txt एंड cat who1.txt। तो देखो who1.txt जो है ना, अभी मेरे को क्या चाहिए कि मुझे ये चीज़ भी ये अपेंड ही करे, मतलब ऐसा नहीं है मेरी फाइल रिप्लेस करे, तो उस चीज़ के लिए जो है वो है टी एंड हाइफन ए, आपको केवल इतना चलाना है। अभी आप देखो cat who1.txt एंड cat who.txt, ठीक है दोस्तों। तो बस अब तो सच्ची अब कंप्लीट हो गया इस बार, ओके। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी ऑडियंस है कौन और वो किस लेवल का कंटेंट मुझसे चाहती है।
धन्यवाद दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार यदि पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो। बाय बाय।